हेलो एवरीबॉडी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीखो एवरीडे। दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ पेन ड्राइव HP का। दोस्तों काफ़ी बाज़ार में काफ़ी पेन ड्राइव मिलते हैं, लेकिन उनको चेक करना ज़रूरी होता है कि दोस्तों पेन ड्राइव असली है या नकली। जैसे कि आप पेन ड्राइव का चेक करेंगे तो सो तो करेगा वो, जैसे कि कोई पेन ड्राइव आपका 64 GB का है वो 64 GB का दिखाएगा, और 32 GB का तो वो 32 GB का दिखाएगा। लेकिन जब आप अपन कोई उसमें डाटा स्टोर करते हैं तो फिर वो जैसे कि 64 GB का है तो 30 या 32 GB के बाद वो डाटा उसमें लेता नहीं है। तो दोस्तों ऐसे अपन कभी भी कोई बाज़ार से जैसे कि पेन खरीदें तो अपन उसको चेक कैसे करते हैं, ये आज मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों ये 64 GB का पेन ड्राइव है और 64 GB का पेन ड्राइव है और ये 32 GB का, ये 32 GB का। दोस्तों इसके आपको चेक करने के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों ये कंप्यूटर में ही चेक हो सकते हैं, और दोस्तों चेक कैसे करते हैं ये आज मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इसके लिए आप मुझे अपने कंप्यूटर पर जाना होगा। दोस्तों ये 64 GB की मैं आपको रेट भी बताऊँगा और 32 GB की भी रेट बताऊँगा कि मैंने कितने में ख़रीदा है। और दोस्तों ये HP का है और USB 3.0 हाई स्पीड है। दोस्तों ये 3.0 स्पीड होती है, दोस्तों ये हाई स्पीड होती है। ये HP का है, मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। ये बहुत ही अच्छा है, देखने में सुंदर भी है और अट्रैक्टिव भी है। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए, तो ये मेटल का बना हुआ है, पूरा मेटल का है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, ये इसको अपन को पीछे इसको पकड़ के आपको पुल करना पड़ेगा, और इसे आप कहीं भी अपने जैसे कि गले में कोई डोरी वोरी हो उसमें डाल सकते हैं, या आप इसको अपने पैंट के हुक में भी डाल सकते हैं। जैसा आप चाहें वैसा इसे यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर है दोस्तों, ये देखिए प्योर मेटल का है। देखा दोस्तों आपने, और मैं इसको आज आपको बताऊंगा कि चेक कैसे करते हैं। ये 64 GB का है, इस पर लिखा हुआ है बोल्ट 250 वॉट। ये देखिए दोस्तों, चलिए इसे मैं अपने कंप्यूटर पर चेक कराता हूँ, और कैसे चेक करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, देख सकते हैं कि मैं अपने कंप्यूटर पे हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पर 2 पेन ड्राइव लगा के रखे हुए हैं। पेन वोल्ट लिखा हुआ है दोस्तों, इसकी प्रॉपर्टीज मैं आपको चेक करा कर देता हूँ। दोस्तों इसकी ये प्रॉपर्टीज है दोस्तों, देखिए यहाँ पे यूज स्पेस बता रहा है, ये ब्लू कलर का है, मतलब जो स्पेस आपने यूज किया हुआ वो ब्लू होगा, और जो फ्री स्पेस है वो अपना पिंक होगा। तो दोस्तों यहाँ पर पूरा फ्री स्पेस है, आप देख सकते हैं 31.2 GB। और दोस्तों दूसरा है मेरा 4 GB का जो तोशिबा का है। दोस्तों इस पर मैं प्रॉपर्टीज़ आपकी चेक करा देता हूँ। देखिए यूज स्पेस, देखिए 2.43 GB है, और स्पेस है 1.20 GB। तो दोस्तों ये है, अगर आपका फ्री होगा तो ये पूरा पिंक होगा, अगर आपका जो स्पेस आपने यूज किया हुआ है वो ब्लू होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए ओके करा दिया। दोस्तों मैं आपसे बताऊँ कि जो मेरा ये HP का जो पेन ड्राइव था दोस्तों, ये फेक है। दोस्तों वो क्यों मैं बताता हूँ आपको। पहले जैसे देखिए दोस्तों, मैं अपना तोशिबा का चेक करा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्यों। दोस्तों यहाँ से मैंने कोई 2 म्यूजिक लिए, जैसे मान लीजिए ये 2 म्यूजिक या 3 म्यूजिक लिए, मैंने यहाँ से ये कॉपी करके दोस्तों यहाँ तोशिबा गया, और न्यू फोल्डर में आपको जाके यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो देखिए कितनी स्पीड के साथ गया दोस्तों, मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये 2 पहले डले हुए थे, और दोस्तों ये 3 मैंने अभी डाले हैं, देखेंगे दोस्तों आप काफ़ी हुआ। दोस्तों देखिए इन्हें मैं डिलीट करके दिखाता हूँ, ये देखिए डिलीट। तो दोस्तों यहाँ 5 आइटम लिखा हुआ, देखिए ये कितने फास्ट डिलीट हुए हैं। इससे ये पता पड़ता है दोस्तों कि ये फेक नहीं है, ये तोशिबा जो स्पीड है इसकी हाई स्पीड है। और दोस्तों इसी तरीके से मैं रिवोल्ट डिस्क है, इसे ओपन करता हूँ, और देखेंगे दोस्तों ये आप इतनी फाइलें डली हुई हैं, ये सब इमेजेस हैं। दोस्तों मैं इनको डिलीट करता हूँ, जैसे मान के चलिए मैंने इनको डिलीट कर दिए।
उसने यहाँ पर यस किया। तो ये काफ़ी स्लो तरीके से डिलीट होते हैं दोस्तों, ये देखिए ये बहुत समय ले रहा है। इतनी देर में दोस्तों इमेजेस तो आसानी से डिलीट हो जाने चाहिए, कुछ ही सेकंड लगते हैं इमेजेसों को। नहीं दोस्तों ये काफ़ी समय ले रहा है, यानी कि इसकी स्पीड बहुत कम है। जो इस पर लिखी थी 3.0 वो उतनी स्पीड नहीं है दोस्तों। तो और मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ से ही अपन ने दो म्यूजिक लिए, जैसे दो या तीन लिए, जैसे यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं ये रिमूवल डिस्क इस पर गया और दोस्तों यहाँ पर इसे मैंने किया। तो देखेंगे दोस्तों ये काफ़ी स्लो जाएगा। तो दोस्तों इससे ये पता चलता है कि ये फेक पेन ड्राइव है दोस्तों। इतने टाइम में देखिए दोस्तों तोशिबा ने इतना टाइम नहीं लिया था, यानी कि इसकी स्पीड बहुत ही कम है। और दोस्तों एक बात और मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए। और दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ तो जो चीज़ मैंने यहाँ पर डिलीट कर दी थी वो डिलीट नहीं हुई है, अभी फिर भी शो कर रही है दोस्तों। देखिए मैं आपको फिर एक बार चेक करके बताता हूँ दोस्तों, इसको ये देखिए यहाँ पर मैं डिलीट करता हूँ तो ये डिलीट शो करेगा, लेकिन ये डिलीट होंगे नहीं। इससे ये पता चलता है दोस्तों ये फेक पेन ड्राइव है बिल्कुल। और दोस्तों यहाँ देखिए, अभी देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आपके सामने डिलीट हो रहा है ये पूरा। और दोस्तों इसका जो स्पेस भी होगा वो पूरा 32 GB नहीं होगा। ये देखिए दोस्तों ये बिल्कुल डिलीट हो चुका है, इस पर आप देख सकते हैं। ये देखिए मैंने दोबारा क्लिक किया, ये फिर आ गया दोस्तों, ये वहीं से आ गया जहाँ से ये था। तो उसी में देखेंगे दोस्तों आप, जैसे कि मान के चलिए मैंने ये न्यू फोल्डर है ये खाली है जो मैंने डिलीट मारा था। अगर मैं इस फोल्डर पे भी आपको डिलीट मारता हूँ तो देखिए ये बहुत ही फास्ट तरीके से डिलीट हो जाएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पर काफ़ी मूवी है, ये मूवी दोस्तों इन मूवियों पर भी मैं आपको डिलीट करके बता देता हूँ, ये काफ़ी फास्ट तरीके से डिलीट होगा। ये देखिए ये डिलीट हो चुका है दोस्तों। अब इसमें एक ये रह गया है दोस्तों, इसको भी आप डिलीट कर सकते हैं हिंदी मूवी से। और आप देखेंगे कि अगर मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ तो ये डिलीट हो चुके हैं दोस्तों। ये रिमूवल देखिए आप, ये देखिए ये अभी तक डिलीट नहीं हुआ है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, तो उसी बात में अगर मैं फॉर्मेट मारता हूँ, ये देखिए मैंने आप फॉर्मेट मार के दिखाता हूँ, स्टार्ट ओके। तो देखिए कितनी फास्ट तरीके से ये फॉर्मेट हो चुका है। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसे बंद करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, देखिए ये रिमूवल डिस्क यहाँ देखिए दोस्तों ये फॉर्मेट हो चुका है बिल्कुल खाली। और देखिए दोस्तों इसको फॉर्मेट करता हूँ, ये देखिए फॉर्मेट स्टार्ट, ये ओके मांग रहा है दोस्तों, इसे ओके करता हूँ। देखिए ये काफ़ी समय ले रहा है फॉर्मेट होने में, जबकि इसमें कोई भी फायदे नहीं। तो दोस्तों इन कारणों से आप जान सकते हैं कि कौन सा पेन ड्राइव असली है और कौन सा नकली है दोस्तों। अगर आपका पेन ड्राइव नकली होगा तो ये आपको फॉर्मेट होने में भी काफ़ी समय लगेगा, और फॉर्मेट होने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों और बता सकते हैं, जान सकते हैं कि ये मेरा पेन ड्राइव असली है या नकली है। अगर फॉर्मेट होने पर जो ये 30.2 GB लिखा हुआ है दोस्तों, ये पेन ड्राइव 32 GB का है। अगर इससे स्पेस कम होता है, प्रॉपर्टीज़ में जाके आप इसे चेक कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद देखिए दोस्तों ये काफ़ी समय ले रहा है लिया इसने। अब देखिए दोस्तों इसे ओपन करके बताता हूँ, अगर मैं इसे ओपन करता हूँ, ओपन करके प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ तो आप देखेंगे दोस्तों, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे 3.12 GB। तो दोस्तों स्पेस तो इसमें पूरा है, लेकिन जो स्पीड बताई है लोगों ने वो स्पीड नहीं है, 3.0 की स्पीड नहीं है, इसकी 1.2 की स्पीड है दोस्तों। तो इससे पता चलता है कि ये पेन ड्राइव असली नहीं है दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।